हिमाचल सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होते हुए अब हिमाचल मंत्रिमंडल की गिनती 12 हो गई है। जयराम ठाकुर की कैबिनेट में शामिल किए गए 3 मंत्रियों को आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। राजभवन में बड़े ही सादे ढंग से आयोजित किए गए इस समारोह के दौरान 3 नए बने मंत्री राकेश पठानिया, राजेंद्र गर्ग और सुखराम चौधरी ने शपथ ली। मैं सुखराम कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आई राकेश पठानिया डू स्वेयर इन नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड। राजेंद्र गर्ग ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हिमाचल में सरकार के गठन के वक्त कुल 11 सदस्यों को शपथ दिलवाई गई थी, लेकिन इसके बाद खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री किशन कपूर लोकसभा चुनाव जीते और संसद चले गए और उसके अलावा अनिल शर्मा के त्याग पत्र देने के चलते 2 पद खाली हो गए। इसके बाद विपिन सिंह परमार विधानसभा अध्यक्ष बने और उनका पद भी खाली हो गया, जिन्हें अब राकेश पठानिया, राजेंद्र गर्ग और सुखराम चौधरी को मंत्री बनाकर भर दिया गया है। इन तीनों के पदभार संभालते ही अब जयराम मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की गिनती 12 हो गई है। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। शिमला से अरुण उन्याल, खबरें अभी तक।